हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो होने वाला है ये सिंपल सा विंटर लुक। सबसे पहले यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ ये खादी का एलोवेरा जेल, जो कि स्किन को अच्छे से हाइड्रेट कर देता है और एज ए प्राइमर भी बहुत अच्छा वर्क करता है। तो आप प्राइमर की जगह ये भी ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ ले रही हूँ ये मालियो की बीबी क्रीम, कैमरा रेडी बीबी क्रीम है ये, जिसमें मेरा शेड नंबर है 03 एंड ये 4 शेड्स में अवेलेबल है मेरे इंस्टा स्टोर पर। और इसको मैं यहाँ डॉट डॉट करके अप्लाई कर रही हूँ और फिंगर के हेल्प से मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी और ये बहुत इजीली ब्लेंड हो जाते हैं। ये डेली वेयर के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। कई लोगों को रोज़ रोज़ फाउंडेशन लगाना पसंद नहीं होता, तो ये उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है बीबी क्रीम। मैं भी डेली वेयर में यही यूज़ करती हूँ और ये बहुत अच्छी कवरेज भी देती है। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से दिखती है ब्लेंड होने के बाद। और नेक्स्ट जो रह गया है उसको मैं एज ए कंसीलर भी अपने आईलिड पर और अंडर आई में अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। एज ए कंसीलर भी बहुत अच्छा वर्क करेगी। आप देख सकते हैं ब्लेंड करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगी। और इस वीडियो में जो जो प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ वो सारे मेरे इंस्टा स्टोर पर अवेलेबल है। और अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आप मुझे DM कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ चेकआउट कर लीजिएगा। जैसे ब्लेंड कर लिया है और ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। नेक्स्ट मैं इसको सेट कर रही हूँ बायोटिक के कॉम्पैक्ट से, जो कि मेरा शेड है नेचुरल। मैं इसे अपने फेस को अच्छे से सेट कर लूँगी। नेक्स्ट मैं ब्लश के लिए यूज़ कर रही हूँ एंजल रोज का 8 कलर ब्लश पैलेट। मैं इसमें ये पीच शेड लेकर अप्लाई कर रही हूँ ब्लश एंड सीरियसली ये बहुत ही पिगमेंटेड ब्लश है एंड आई लव दिस ब्लश पैलेट। एंड आप अगर अफोर्डेबल में ट्राई करना चाहते हैं तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, ये बेस्ट है। नेक्स्ट मैं अपनी ब्राउज को फिल करने के लिए यूज़ कर रही हूँ ये मालियो का आईब्रो डिफाइनर इन द शेड डीप कॉफ़ी, जो कि बहुत ही नेचुरल लुक देगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ओवर नहीं लगता है ये। नेक्स्ट मैं यहाँ ये एज आई शेडो वेट एंड वाइट का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ एंड मैं इसको अपनी फिंगर के हेल्प से ही आईलिड पर प्लेस करूँगी। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ ये जेल लाइनर यूज़ कर रही हूँ ब्लैक शेड मालियो का और इस एंगल ब्रश के हेल्प से मैं इसको ड्रॉ कर लूँगी। मुझे विंग्स ज़्यादा पसंद नहीं है, सो मैं इसको ऐसे ही ड्रॉ कर रही हूँ, ना ज़्यादा थिन ना और ज़्यादा थिक। और मैंने इसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है। और जिन्हें एकदम जेट ब्लैक लाइनर चाहिए होता है तो वो जेल लाइनर ये ट्राई कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ मस्कारा के लिए यूज़ कर रही हूँ ये एसेंस का वॉल्यूम एंड कर्ल मस्कारा, जो कि बहुत अच्छे से आपके लैशेस को वॉल्यूम और कर्ल भी कर देते हैं एंड इसको लगाने के बाद आपको फॉल्स लैशेस की ज़रूरत नहीं पड़ती एंड ये बहुत ही अच्छा वॉल्यूम देगा आपके लैशेस को एंड ये आपके लैशेस को अच्छे से कर्ल भी कर देगा। सेम मैं हाइलाइटर वेट एंड वाइल्ड का यूज़ कर रही हूँ अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करने के लिए, ताकि आई लुक थोड़ा डिफरेंट लगे। एंड मैं अपने चेक बोन्स को, नोज, चिन, फॉरहेड, जहाँ जहाँ मुझे हाइलाइटर की ज़रूरत है मैं वहाँ हाईलाइट कर रही हूँ। एंड सबसे फेवरेट है मेरा हाइलाइटर, मुझे हाईलाइटर लगाना पर्सनली बहुत पसंद है। तो ये मैं हाईलाइटर मैंने फ्लिपकार्ट से बाय किया है, तो डिस्काउंट में मुझे 400 के समथिंग कुछ मिला था। एंड लिपस्टिक के लिए यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ ये अपनी किस ब्यूटी की लिपस्टिक्स, शेड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। एंड लास्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मालियो का ड्यूई फिनिश मेकअप फिक्सर, जो आपके पूरे मेकअप को अच्छे से सेट कर देगा और एक ड्यूई फिनिश भी देगा। सो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। आई होप आपको मेरा ये लुक पसंद आया हो। मैं
मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल बटन को हिट ज़रूर करें ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस मिस ना हो। नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय बाय।